इसका जो एंड प्रोडक्ट ये होना चाहिए, तो मुझे आईडिया नहीं है। जल्दी जल्दी तो आपने इसका फायदा उठाना है, जितना हो सके सीखना है और अपने फैमिली बच्चों का मतलब इस तरीके से मदद करना। बिगल दरा हमना आर्मी की तरफ सर जो हमारा सी ओ साहब है मारगा, हमने उनको मांग करी थी कि हम इस बॉर्डर का पैर सब जीरो लेने का पैर, हमने कोई सेंटर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और उन्होंने हमना यो सेंटर थी, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस बॉर्डर का पर। बाकी हमारा जेड़ो ग्रां है हम ये तार तो इस तरफ हाँ, हमने तो हम देखने लगा हुआ कोई इतनी मजबूरी की काय काल नहीं थी, चलो हमारी ये बच्ची जड़ी थी ये बिल्कुल बेरोजगार थी, चलो ये सीखेंगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे इन्होंने आज सर आज जैसे कि आपको पता है कि आज वुमेन डे, तो आज का बड़ा अच्छा दिन इन्होंने चूज़ किया सर, तो जो आज के दिन इन्होंने ओपनिंग की है, तो यहाँ हमारा मकसद ये है सर कि यहाँ पे 25 से लेकर 30 तक लड़कियाँ एक बैच में रहेंगी जो कटिंग ट्रेनिंग सीखेंगी। तो आने उनका फ़ायदा ये है सर कि वो लड़कियाँ सीखेंगी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, वो सीखेंगी कमाएंगी और बचाएंगी भी सर। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी, वेल डन टीचर्स हैं यहाँ पे सर, सब ट्रेंड टीचर हैं यहाँ पे, बाकी जो मशीन्स वगैरह टूल्स वगैरह हैं सब अवेलेबल हैं। अब ये है कि सर जीरो लाइन एरिया है, बॉर्डर एरिया है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। हमें सिनेमेंट करवा रही है, हमें इस ट्रेनिंग से बहुत फ़ायदा मिलेगा, आने वाले टाइम पर हमें इस ट्रेनिंग जैसे ही हमें मेहनत सिखा रहे हैं ऐसे हम भी किसी लड़की को सिखाएंगे, अपने गांव में हम अपनी सर्कस खुद चला सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में इस ये जो हमारा गांव है बिकलतरा ये बहुत बॉर्डर में, तो इसकी वजह से हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो इधर रोड भी नहीं कुछ भी नहीं, ये इसी के लिए हमें दिया ये ट्रेनिंग, तो हम इसके लिए जिस काम के लिए हम गए वाले भेजते हैं हम ये काम खुद करेंगे, इंशाल्लाह हम इसका फ़ायदा उठाएंगे,